ओके तो दोस्तों, अगर आप कोई नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो दोस्तों आप थोड़ा रुक सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगले ही हफ्ते इंडियन मार्केट में ऐसे 5 स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं जो आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाले हैं। इसमें दोस्तों आपको शाओमी से लेकर रियलमी, ओप्पो या फिर मोटोरोला के स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको काफी ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं। उनकी टेक्नोलॉजी से लेकर परफॉर्मेंस तक आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। आज की वीडियो में हम दोस्तों ऐसे 5 स्मार्टफोन की ही बात करने वाले हैं जो आपको अगले ही हफ्ते इंडियन मार्केट में लॉन्च होते दिख जाएंगे और उन स्मार्टफोन को आप परचेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करूं सबसे पहले स्मार्टफोन की, तो हमारी लिस्ट में पहले नंबर पे आता है ओप्पो की तरफ से ओप्पो का A74 5G। दोस्तों स्मार्टफोन की हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्या आपने वीडियो नहीं देखी? और वीडियो नहीं देखी तो दोस्तों आई बटन में जाएं, आपको इसकी फुल डिटेल वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों A74 5G स्मार्टफोन आपको 20 अप्रैल को इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन को दोस्तों आपको 5G टेक्नोलॉजी से लेकर बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है और ये स्मार्टफोन आपको 20,000 के अंदर अंदर में देखने को मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में आपको कॉलकॉम की तरफ से इसका नया प्रोसेसर कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का 480 चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 5G टेक्नोलॉजी से बेस्ड है। और इसके अंदर आपको 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलेगा। और इसके अंदर आपको 6GB रैम और 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आता है। और साथ ही फ्रंट में आपको सेल्फी के लिए इस स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों स्मार्टफोन काफी अच्छा है, डिटेल वीडियो के लिए आप चैनल पे जा सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको इस स्मार्टफोन के ढंग से रिव्यू करा है, आप जाके उस वीडियो को फुल देख सकते हैं। वहीं दोस्तों अब हमारी लिस्ट में अगला स्मार्टफोन आता है मोटोरोला की तरफ से। दोस्तों मोटोरोला के 20 अप्रैल को ही 2 स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं जो कि आपको बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ आते हैं, जिसमें आपको मोटो का G40 फ्यूजन और साथ ही मोटो का ही G60 देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको 20 अप्रैल को इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएंगे और ये स्मार्टफोन आपको एक्सक्लूसिव सिर्फ फ्लिपकार्ट पे ही देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अगर कैमरे की बात करें तो आपको दोनों ही स्मार्टफोन पे ट्रिपल स्लॉट कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको G40 फ्यूजन के अंदर 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और साथ ही G60 के अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर देखने को मिलेगा। वहीं फ्रंट में सेल्फी के लिए इसके अंदर 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का 732G प्रोसेसर देखने को मिला है, जो कि बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आता है। वहीं दोस्तों अगर स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर आपको बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि 6.8 इंच की 120Hz के रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि सुपर स्मूथ के साथ आती है। और साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में आपको 6000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि ये स्मार्टफोन स्टॉक एंड्रॉइड 11 पर काम करता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले स्मार्टफोन की, जो कि हमारा आएगा शाओमी की तरफ से। दोस्तों शाओमी का एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन मी 11 अल्ट्रा, दोस्तों ये स्मार्टफोन 23 अप्रैल को इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। दोस्तों स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी है जो कि इसकी सेकेंडरी डिस्प्ले है, वो आपको काफी ज्यादा प्रभावित करने वाली है। साथ ही दोस्तों फोन की परफॉर्मेंस के लिए इस स्मार्टफोन में आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर भी देखने को मिलेगा, जो फ्लैगशिप परफॉर्मेंस दे देता है आपको। साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में आपको 120Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, 5000mAh बैटरी के साथ ये स्मार्टफोन आता है। और दोस्तों एक जानकारी और भी आपको दे दूं, दोस्तों जिस दिन ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा इंडियन मार्केट में मी 11 अल्ट्रा, दोस्तों उसी के साथ ही शाओमी अपनी एक और सीरीज को मी 11 एक्स को भी उसी दिन लॉन्च कर देगी। दोस्तों अब हमारी लिस्ट में आखिरी स्मार्टफोन आता है रियलमी 8 5G। दोस्तों रियलमी 8 पहले ही लॉन्च हो चुका है, इसका 5G वेरिएंट आपको 22 अप्रैल को इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इंडियन मार्केट से पहले एक दिन पहले ही, जो कि 21 अप्रैल को ये स्मार्टफोन थाईलैंड में लॉन्च होगा, उसके बाद 22 अप्रैल को ये स्मार्टफोन आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों फीचर्स के साथ ये स्मार्टफोन काफी अच्छे के साथ आने वाला है और टेक्नोलॉजी परफॉर्मेंस सब कुछ इसके अंदर काफी अच्छी दी जाएगी। और दोस्तों देखते हैं क्या ये स्मार्टफोन दुनिया का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन जाए या फिर अभी भी आपको रियलमी का नार्जो 30 प्रो ही हो। दोस्तों यही है वो स्मार्टफोन जो आपको अगले हफ्ते इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। क्या दोस्तों आप इन स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे थे, या फिर आपको इंडियन मार्केट में जो अभी है स्मार्टफोन वही पसंद आने वाले हैं, या फिर आप इन स्मार्टफोन की तरफ जाने वाले हैं? दोस्तों इन स्मार्टफोन में आपको काफी अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशन देने वाले स्मार्टफोन देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आपको रियलमी 8 जो कि 5G टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला स्मार्टफोन है, क्योंकि दोस्तों अब ज्यादातर स्मार्टफोन आपको 5G टेक्नोलॉजी वाले ही देखने को मिल रहे हैं। वही अगर आप मोटोरोला की तरफ जाना चाहते हैं तो वो स्मार्टफोन भी आपको काफी अच्छी डिस्प्ले के साथ स्मार्टफोन देखने को मिलता है। दोस्तों देखते हैं इंडियन मार्केट में जब ये आते हैं इनकी ऑफिशियल प्राइस क्या रखी जाती है। और दोस्तों जैसे ही इंडियन मार्केट में लॉन्च होते हैं आपको तो इस चैनल पे वीडियो देखने को मिली जाएगी, आपको कहीं जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद। We'll be right back.